अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय पबजी विजन चैनल। तो भाई लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज इस वाली वीडियो में बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आया हूँ। तो आप लोगों को आज पता चल गया होगा कि आज ग्लोबली जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो रिलीज हो चुका है और सब लोग उसे डाउनलोड करने पे लगे हुए हैं और इंस्टॉल भी कर रहे हैं, और मैंने आज ही इसको इंस्टॉल किया है। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा समझने में मुश्किलात आ रही है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आप लोगों ने किस तरह से इजीली, जिस तरह आप लोग पबजी को यूज़ कर सकते हो, इसी तरह आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी को, सारे जो चीज़ है आप लोग उसको किस तरह इजीली समझ सकते हो। तो बहुत से व्यूअर्स को सबसे पहले जो स्क्रीन आता है तो इस तरह से स्क्रीन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को, यानी बहुत से यूज़र के दिमाग में ये आता है कि जिस तरह मैं पबजी में एरेंगल मैप प्ले कर लेता हूँ, उस तरह मैं इसमें एरेंगल मैप यानी सालों में कैसे मैच करूँ या स्क्वाड में कैसे मैच कर लूँ। तो सबसे पहले मैं वो डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहां पे जो मल्टीप्लेयर गेम होते हैं उसमें आप लोगों ने तकरीबन 10 या 12 मैचेस प्ले करने होंगे। उसके बाद 10 या 12 मैचेस प्ले करने के बाद आप लोगों का ये ओपन हो जाएगा, ये बैटल रॉयल, ठीक है। यानी ये 7 लेवल पर ओपन होता है, ठीक है। जब आप लोग पहले से गेम को इंस्टॉल करोगे और उसके बाद आप लोगों का ये कमिंग सून लिखा होगा, जिस तरह ये आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने मल्टीप्लेयर को, मल्टीप्लेयर में इतने गेम्स खेलने हैं ताकि आपका लेवल लेवल 7 तक हो जाए, तो फिर आपको ये जो है ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ये ओपन होगा आप इसमें गेम प्ले कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह के मैंने अभी इस पर क्लिक कर दिया और यहां पे आप लोग देख सकते हो FTTP यानी फर्स्ट पर्सन आप लगाते हो या थर्ड पर्सन लगाते हो, चारों के लगाते हो या डुअल के लगाते हो या स्क्वाड के लगाते हो या सिंगल के लगाते हो, यहां से आप लोग इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे आप लोग इसका मैप देख सकते हो, इसका ये मैप है। तो आप लोगों ने यहां से ये मैप आप लोगों का प्ले होगा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों को सीजन डिटेल दे रहा है, यानी आपने 400 में से इतने पॉइंट्स हासिल किए हैं। और तो उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, तो ये तो हो गए आप लोगों का, जब आप लोग लेवल 7 को कंप्लीट कर लोगे तो आप लोगों का ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे तो हमारा काम हो गया। आते हैं इस साइड की तरफ, इस साइड की तरफ जो लेफ्ट साइड पे टॉप पे आएगा वो आपका यूजर नेम होगा कॉल ऑफ ड्यूटी का, मेरा जो है पाक विजन के नाम से है, ठीक है, पाक विजन के नाम से। और यहाँ पे मैं, मुझे बहुत से रिवार्डेड मिलने को है, यानी मैंने अभी तक तकरीबन ये 13 पॉइंट है, पता नहीं ये मेरे ख्याल में क्वाइंस है या क्या है, तो यहाँ पे मुझे ये मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जब इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को ये शो हो जाएगा, यानी ये रैंक जैसा है, यानी आप लोगों का रैंक बढ़ेगा तो रैंक के लिहाज से ये रिवार्डेड आप लोगों को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो जिस तरह पबजी में होते हैं रैंक बढ़ाना और मुख्तलिफ रैंक पर आप लोगों को स्किन दे रहे होते हैं, इसी तरह इसके। और यहाँ पे इवेंट लगे होते हैं, अगर मैं इस पे, यानी जिस तरह पबजी में मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं ना, तो इस तरह इसमें भी इवेंट्स आते हैं, यानी 400 CP पे आप लोगों को ये मिलने वाला है और 1200 पे ये जो कमाल का पैक है ये देखो, तो 1200 पे ये मिलने वाला है, 2000 पे पहुंच गए तो आप लोगों को ये मिलेगा। और ये पैराशूट तो बहुत ही दासू लग रहा है, तो ये 2800 पे आप लोगों को मिलेगा और ये 4000 पे ये आप लोगों को मिलेगा। तो गेट CP यानी CP आप लोगों ने, तो CP क्या होता है मैं आपको अभी बता दूं, CP जो ये है, ये CP जो है आप लोगों को UC, जिस तरह आप लोग पबजी में UC परचेस करते हो, पबजी UC के अपोजिट ये CP यूज्ड होता है, कॉल ऑफ ड्यूटी में CP इसे कहते हैं। तो आप लोगों ने ये मतलब UC से परचेस करना होगा, ठीक है। और यहां पर नीचे आते हैं तो सीजन यहां पे लगा हुआ है, यानी सीजन, इस सीजन
विजन में आपके कितने चैलेंजेस है वो सब यहीं पे हैं। तो आप लोग देख सकते हो मेरे जो चैलेंज है यहीं पे, मैंने आल में ये जो है 80 मॉडल इन एमपी मैचेस, तो ये मैं कंप्लीट किया है। तो इसको मैंने कलेक्ट कर लिया और मैं टायर पे पहुंच गया नंबर 3 टायर पे। और इस तरह अगर मैं यहीं पे क्लिक कर दूं, तो जिस तरह आप लोग ये निशान देख रहे हो, जिस तरह आप लोग इस पर क्लिक करोगे उसी तरह से आप लोगों को, तो मैंने एक ये आप लोग देख सकते हो ये भी क्लेम्ड है क्योंकि मैंने आल पे क्लिक कर दिया, तो आल से ये आल रेडी हो गए, ठीक है। और ये भी देख सकते हो यहीं से मैंने अभी तक कोई कंप्लीट नहीं किया है, तो यहीं पे देख सकते हो ये चैलेंजेस मैंने कंप्लीट किए हैं। और मैं इसलिए चैलेंजेस तेज़ी से कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत से रिवार्डेड फ्री में मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से, और जैसे ही न्यू गेम आता है तो उसमें हम लोगों को फ्री रिवार्डेड इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये गेम सब लोगों तक पहुंच जाए, फिर बाद में ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब कम स्किन देते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी से मैचेस कंप्लीट करता हूँ और सबसे पहले जो गन्स वगैरह की स्किन है वो कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि बाद में अगर मुझे ना मिले, तो इसलिए मैं जल्दी से करता हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो ये मैंने चैलेंजेस कंप्लीट किए हैं, यानी 1 मैचेस मैंने कंप्लीट किया है। और इसी तरह ये 2 एनिमी मैंने किल कर दिए हैं बैटल रॉयल में, जो चैलेंजेस जो मेरा मिशन इस सालों में मैंने किया था। और 2 एमपी मैचेस में ये आप लोग देख सकते हो मेरा टायर 4 से गया, और ये यहाँ से मेरी आरपी भी बढ़ रही है, ठीक है। तो आरपी को क्या कहते हैं यहीं पे आप लोग देख सकते हो, यही आरपी मेरी 260 हो गई है, ठीक है। तो ये आरपी होती है, यहाँ पे टायर भी होता है और आरपी यानी 100/200, तो यही पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है। तो इजीली हम इसको समझेंगे, जो भी मुझसे गलती हुई हो, तो मैं भी न्यू हूँ इसलिए ये बॉक्स भी मुझे मिला है। तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं, सॉरी इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और प्लीज़ व्यूअर्स, आप लोगों को मुझे बताना है कि आप लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी के चैलेंजेस की वीडियो में अपलोड करता रहूं या ना करता रहूं, आप लोग गेम प्ले करते हो या नहीं, किस किस ने प्ले किया है, ठीक है, प्लीज़ मुझे कंफर्म बता दो ताकि कमेंट्स कर लो ताकि मुझे अच्छा लगे। और मुझे तो ये गेम अच्छा लगा है क्योंकि इसके जो इसमें जो हैकर हैं, अभी हैकर इसमें आए नहीं है तो पता चलेगा, तो इसलिए इस गेम में मज़ा होता है। मैंने काफ़ी मतलब इसमें चिकन डिनर किए, विनर किए हैं, चिकन डिनर इसमें होता नहीं, इसमें बस आप विनर मेरे ख्याल में हो जाते हो। तो ये मैंने कर लिया है और ये 100/200 हो गए हैं, ठीक है। तो यहीं पे तो ये सीज़न के वाले, और ये रिक्वेस्ट आ जाए, फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आया, आप लोगों को यहीं पे शो होगा जैसा कि मुझे अभी आया है, पता नहीं किसका आया है, तो इसका भी एक तो मेरे साथ तो ये आया है, ठीक है। तो मैं इसको एक्सेप्ट करते हो, पता नहीं कौन है, तो चलो मैंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। और यहाँ से आप फ्रेंड को जो है आप लोग ये जो है आप लोग इसको ऐड कर सकते हो, यहीं से आप लोग फ्रेंड को ऐड कर सकते हो। मैं करता हूँ अभी एक को, शायद इसका उस मेरे दोस्त का यही आईडी था, तो यहीं पे कुछ शो नहीं हुआ। चलो ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ बता दिया कि यहीं से आप लोग फ्रेंड को ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने कर दिया है ऐड फ्रेंड, और यहीं से आईडी उसकी लिख दो और यहां से सर्च कर लो तो आपको इजीली मतलब वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको आरपी दिखा देना चाहता था, हाँ यहीं पे है, तो हाँ स्टोर पे जाते हैं, स्टोर पे देख लेते हैं। स्टोर पे आप लोगों ने सीपी यानी जिस तरह ये सीपी मेरे पास 0 है, तो ये यूसी की तरह होते हैं, तो आप लोग इस गन को देख सकते हो। तो ये आप लोगों को यूसी यानी सीपी खरीदना होगा पैसों से, तो ये अभी मुझे मतलब नहीं चाहिए और ना ही मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं रॉयल पास को देखना चाहता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे लोड आउट पे मैं देख रहा हूँ, हाँ ये लोड आउट पे जहाँ आप लोग देख सकते हो, ये पबजी में जो इन्वेंट्री आप लोगों को मिलती है, इन्वेंट्री में जहाँ पे आप लोगों का सूट होता है वहाँ पे, और कॉल ऑफ ड्यूटी में आप लोग
लोगों को ये इन्वेंट्री की जगह है यानी लोड आउट की जगह है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पैराशूट आप लोग देख सकते हो, यही पे क्लिक है तो मुझे दो पैराशूट की स्किन आज मिले हैं गेम प्ले की वजह से, ये आप लोग देख सकते हो। जब आप लोग यूज करना चाहोगे यानी अपने गेम में, तो यही से आप लोग इक्विप करोगे, ये इक्विप देख सकते हो, तो ये आप सेलेक्ट हो जाएंगे। मेरे ने ये इक्विप किया है यानी मैं जब गेम में लैंड कर लूंगा तो इस पैराशूट से करूंगा, ठीक है। और यही पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इमोट की जगह है, ये बहुत ही जबरदस्त, ये फ्री में इमोट पहले से ही मिल रहा है। और ये एक और जगह, ये स्प्रे भी मुझे मिला है, तो ये इसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ सॉरी, तो यही से मैं इसमें कर लेता हूँ चूज अ स्लॉट। तो हो गया, इक्विप्ड कर दिया है मैंने, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो अभी मैं बैग में कर लेता हूँ, तो ये बॉक्स है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसमें क्या आता है तो अभी देख लेते हैं। तो इसमें भी मुझे स्प्रे मिल गया, कोई इमोट है शायद, मुझे ज़बरदस्त चीज़ मिल गई। और यहीं पे मैं देखना चाहूँगा कि वो ये है, तो इक्विप में मैं करूँगा और यहाँ पे मैं स्लॉट कोस करूँगा और यहीं से ओके। तो पता नहीं ये है क्या चीज़, मेरे ख्याल में ये तो गेम में प्ले करूँगा पता चलेगा ये क्या चीज़ है, पता नहीं इमोट है या क्या चीज़ है। चलो ये पैराशूट, हाँ यही पे जब आप लोग प्ले करोगे तो ये आप लोग गन के चीज़ें जो होते हैं ये आप लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हो, मतलब उसके साथ स्कोप लगा सकते हो। ये इक्विप करता हूँ मैं, ये भी मुझे मिला है, और साथ में ये भी करता हूँ, तो ये भी इक्विप करता हूँ। ये क्या है, तो ये भी हो गया। अब गन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और गन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा एक गन पे, वहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन यहीं पे मुझे आ रहा है, तो यही से आप उसे अपग्रेड करते हो। ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उसके साथ लगाने होंगे आप लोगों ने गेम में, जो आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूँ, बाद में मैं इसको इजी चले। तो व्यूअर्स, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर आप मेरे क्लेन में शामिल होना चाहते हो तो प्लीज़, मेरा क्लेन जो है पाक विजन के नाम से है, अभी ऑनलाइन है, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, पाक विजन आप लोग मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो मेरे क्लेन में, मैं आप लोगों को ऐड करूंगा। और जैसे ही आप लोग मेरे साथ गेम खेलोगे तो मैं यूट्यूब पे उसका वीडियो भी अपलोड करूंगा, और साथ में हम इजीली मैचेस भी प्ले करेंगे, यहीं से आप लोग इनविटेशन कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो चलिए, मैं सिर्फ आप लोगों को इस थोड़ा सा समझा देना चाहता, यहीं पर स्टोर है, स्टोर पर आप लोग जो कुछ लेना चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद